हेलो एवरीवन, जायसवाल सर के वर्चुअल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, वह विषय सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी भारत का नागरिक है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे फहराने में क्या फ़र्क होता है, और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसकी पहचान होती है। हमारे भी देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा हमारी आन मान शान और गौरव का प्रतीक है। इसके आन की रक्षा के लिए सिर्फ सैनिक ही नहीं, आम जनता भी हर वक्त हर त्याग और बलिदान देने के लिए समर्पित रहती है। इसकी इस तिरंगे की सम्मान के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान दे दिए। हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, न जाने कितने समारोह में हम लोग गए होंगे, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के झंडे फहराने में कुछ अंतर है। आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम जानते हैं कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के झंडे फहराने में क्या अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं 15 अगस्त वर्सेज 26 जनवरी। पहला, 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है, जिसे हम संविधान में इसके लिए वर्ड प्रयोग किया गया है इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग। यानी इस दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था, और इस दिन 15 अगस्त को अंग्रेजों का ध्वज उतार करके भारतीय तिरंगों के ऊपर चढ़ाया गया था। तो झंडे को नीचे से ऊपर चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं ध्वजारोहण, यानी ध्वज का आरोहण करना, ध्वज को ऊपर चढ़ाना। तो 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी के दिन ध्वज फहराया जाता है। ध्वज फहराने के लिए संविधान में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है फ्लैग अनफर्लिंग। इस दिन झंडा ऊपर ही पोल में बंधा होता है, उसे सिर्फ खोल करके फहराया जाता है। तो पहला अंतर ये है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, जबकि 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है। कि 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री, जो कि देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारे देश का संविधान बना नहीं था, और संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति, उन पदभार भी अपने ग्रहण नहीं किए थे, इसलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। जबकि 26 जनवरी के दिन, जो कि भारत के संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उस दिन राष्ट्रपति ध्वज को फहराते हैं, झंडे को राष्ट्रपति फहराते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तीसरा अंतर जो है वो 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है वो लाल किले से होता है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट से ही ध्वजारोहण किया था। तब से ये परंपरा बन गई है कि लाल किले से ही प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तो ये तीन अंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा फहराने का है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम का भी दोनों में अंतर है। जैसे 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, देश के नाम अपना संबोधन देते हैं, लेकिन 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, यानी 14 अगस्त की शाम को, राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। जबकि 26 जनवरी को कोई देश का संबोधन नहीं होता है। तो ये झंडा फहराने के अतिरिक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी में एक अन्य अंतर है। इसके अलावा भी एक अंतर है
15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम का कि 15 अगस्त के दिन परेड नहीं होती है, जबकि 26 जनवरी के दिन राजपथ पर सैनिक अर्धसैनिक आदि लोगों का एक लंबी परेड होती है, जिसमें अनेक प्रकार की नाना प्रकार की झांकियां और हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम रंगारंग प्रोग्राम भी शामिल होते हैं। इस दिन भारत की जल थल और वायुसेना अपने पराक्रम को दिखाती है और अपनी भारतीय संस्कृति का भी प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आज हम लोगों ने आज की इस टॉपिक में 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे फहराने के बारे में अंतर तो जाना ही, इसके अलावा दो अंतर इसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विषय में, इसके कार्यक्रमों के विषय में भी जाना। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।